हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। रोल बनाने के लिए ये मैंने 3 पापड़ लिए हैं। ये मैंने मूंग के पापड़ लिए हैं। पापड़ जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इनके कोन तैयार करेंगे, तो चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक तवा रखेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम हाई फ्लेम में कर लेते हैं। तवा को गर्म हो जाने देंगे। तवा गर्म हो गया है। अब एक पापड़ लेंगे, इसके 2 भाग कर लेते हैं बीच से, इस तरह से। इस तरह से अब पहले एक हिस्से को भूनेंगे, थोड़ा सा दबा के भूनेंगे जिससे जल्दी से भून जाए। बहुत देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो पापड़ टाइट हो जाएगा। ये देखिए फूल गया है। अब इसको उठा लेंगे, तुरंत ही इसको फोल्ड कर देना है, नहीं तो फिर टूट जाएगा। इस तरह से कोन बना देना है। ये देखिए इसी तरह थोड़ी देर रखे रहेंगे किसी ग्लास या कटोरी में, तो इसी तरह बने रह जाएंगे। अब इसी तरह दूसरा बना लेते हैं। आप पापड़ को गैस में डायरेक्ट भी भून सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जलने का डर रहता है। ये देखिए दूसरा भी बन गया। अब इसको भी ऐसे तुरंत फोल्ड कर देंगे। अब इसी तरह सारे कोन बना के तैयार कर लेते हैं। पहले जितने लोग आपके घर में हो उतने कोन आप बना लीजिए, जिससे सबको एक एक हो जाए। अब कोन बना के मैंने तैयार कर लिया है, इनको कप में रख लिया है जिससे फिलिंग भरने में आसानी रहे। अब कोन को साइड कर देंगे। अब इनकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बॉल ले लेते हैं, इसमें फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक बॉयल आलू लिया है, इसको बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था जिससे ठंडा हो गया है, तो इससे पीस अच्छे से आसानी से कट गए हैं इस तरह से। अब इसको डाल लेंगे। एक प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ। एक टमाटर बारीक कटा हुआ। 2 बारीक कटी हरी मिर्च। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1/4 चम्मच चाट मसाला। 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसको ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा सफ़ेद नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डालना है, ज़्यादा ना होने पाए। 1 टेबल स्पून से कम टोमेटो सॉस। 1 चम्मच चिली सॉस। 1 चम्मच के आसपास डाल लेंगे बेसन भुजिया, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालना है। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले अभी फिलिंग अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखिए। अब इनको कोन में डाल लेते हैं। अब एक चम्मच से इनमें डाल लेंगे। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। अब बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा सेव ऊपर से डाल देते हैं। ये पापड़ रोल बन के तैयार हैं, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। ये बच्चे और बड़े सभी लोग बहुत पसंद करेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।